तो आज हम आए जय हिंद स्टॉल पे। यहाँ पे एक कपल आपको बहुत ही टेस्टी वड़ा पाव, दापेली और बहुत सारी चीज़ें सर्व कर रहा है। तो देखते हैं ये क्या क्या बनाते हैं हमारे लिए, और टेस्ट करके आपको मैं टेस्ट बताऊंगी। तो ये अभी हमारा ब्रेड पकौड़ा सर्व कर रहे हैं, रेडी है। इसे तीन पीस में काटेंगे इस तरह से, और इस तरह से आपको जिस टेस्ट में चाहिए, ये तेज चटनी है, ये पुदीना का चटनी है, ये जो है इमली का चटनी है, उसके बाद जो है सूखा संगदाना चटनी। अभी आपको जो चाहिए तेज बोले तो तेज में बनाएंगे इस तरह से, इसे ज्यादा डाल देंगे, और मिक्स बोले तो इसको भी डाल देंगे ये इस तरह से, और इसमें इमली का चटनी, थोड़ा सा इस पे प्याज, सेव, सूखा सेव मार देंगे जिससे कि वो बढ़िया दिख सकता है इस तरह से। इसके ऊपर एक दो मिर्च दे देंगे, ये बन गया बढ़िया सा ब्रेड पकौड़ा जो कि फेमस है। इसमें से भरना है सर, इस तरह से भर के जो है तो रेडी करके सब में आप अंदर ज्यादा से हाँ एक ही यूज करते हैं बस। ये टेस्टी है, खाली दाबेली का है जो अलग है मसाला, जो बाकी ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पैटीज या पावड़े के लिए, वड़ा पाव के लिए यही है, यही मसाला रहेगा। मतलब ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपका यही है, बस यही है। इससे ही सब में सब में टेस्ट आएगा बस, और बढ़िया लगेगा, जैसा कि कस्टमर को भी अच्छा लगे। आधुनिक कर इसमें कि पावड़ा जो है टेस्टी बनता है, और इससे क्रिस्पी बनता है, और इसको बेसन में पूरी तरह से डालकर फ्राई करना है। तो जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं आप वैसे वैसे बनाते जाते हो? यस मैम, बना के हम कुछ भी नहीं रखते, जैसा ऑर्डर आएगा इस तरह से अब इसको इसमें डालना है बस। अब ये इस तरह से इसको क्या करना है, घोल कर इसमें तेल में छोड़ देना है। इसको फ्राई होने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ दो मिनट, दो से एक मिनट। अगर जल्दी भी होगी किसी को तो ये जल्दी बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। अरे इस तरह से हो गया पावड़ा। तो आप सबको हाई फ्लेम पे ही बनाते हैं? हाई फ्लेम पे, जब ज्यादा उसमें जाएगा माल तो हाई फ्लेम पे बनाना, कम अगर एकदा है तो कम हाई फ्लेम पे बना सकते हो, तो जल जाएगा सभी चार का चार, एकदम अच्छा से क्रिस्पी बनेगा। देखो रेड हो गया है ऊपर से, ये देखिए क्रिस्पी हो गया है, बस अभी से निकालना, नीचे से भी इसी तरह से हो जाएगा, कड़क लगेगा ऊपर से, जब खाओगे तो अच्छा क्रिस्पी लगेगा और टेस्टी लगेगा, ऐसा नरम ना नरम नहीं लगेगा, वो कड़क लगेगा। बन के रेडी हो गया। चटनी लगा था सर्व, हाँ चटनी के साथ ही सर्व करते, कोई बिना चटनी का भी लाइक करता है उसे, तो कोई ज्यादा तो लोग चटनी के साथ ही खाते हैं। अच्छा। जैसा कि स्वास है, इमली की चटनी है, पुदीने की चटनी है, तीनों चटनी उसमें डालकर हम, मतलब आपके पास पार्सल भी मिलता है? मिल जाता है। जो शॉप है वो कब से है? ये 6 साल से। आप दोनों हस्बैंड और वाइफ? दोनों मिलकर करते हैं। क्या क्या मिलता है आपके पास? हम वड़ा पाव फेमस है इधर, आपने स्टॉल पे, आपके स्टॉल पे वड़ा पाव फेमस है। बाकी का दाबेली चलता है, ब्रेड पकौड़ा भी फेमस है इधर, और ऑर्डर अनुसार देते हैं, बना के ऐसा कुछ भी नहीं रखते, सब गर्मा गर्म, जैसा आप ऑर्डर देंगे वैसा बना के देते, गर्मा गर्म। हाँ नहीं, बना के नहीं, कुछ भी नहीं आइटम। बारिश के मौसम में अगर गर्मा गर्म खाना होगा तो आप? कोई बात नहीं। अभी आप क्या करेंगे? अभी ये वड़े बना रहा हूँ, वड़ा पाव के लिए वड़े बना रहा हूँ। पूरा मसाला वगैरह आप घर पे? घर पे बनाते हैं, बहुत सेफ्टी बनाते हैं, जैसे घर पे खा सकते हैं जैसे। हाँ जैसा घर पे खाते हैं उसी तरह से सब अच्छा बना के पैकिंग करके इधर आते हैं, तो बनाना शुरू करेंगे। टेस्ट यहाँ का अच्छा है, बहुत लोगों का रेस्पॉन्स ऐसा है कि बहुत लोग सुरखों से आते हैं, रेटर नगर से आते हैं, बच्चे खा जाते हैं, तो आपका टेस्ट अच्छा है। अभी आपका वड़ा पाव लग रहा है, वड़ा पाव लग रहा है, वड़ा पाव देते हैं। ये रही मिर्ची, ब्रेड पकड़ा होगी, ऑर्डर है तो बना देंगे।
मतलब अभी यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बनाने की चल रहा है आपका? ब्रेड का भी है मसाला लगाना पहले, तो उसके वड़ा पाव का ही मसाला लगाते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो ब्रेड जो मसाला रहता है ये वड़ा पाव का ही, वड़ा पाव का ही मसाला है, इसमें टेस्ट इसमें अच्छा लगता है, जब खाओगे आप तो बहुत बढ़िया लगेगा। हाँ अभी इस तरह से पेस्ट कर देते, इसके ऊपर दूसरा ब्रेड उसके पेस्ट रख कर तो फ्राई कर देते आप बेसन में डालकर। बेसन के पेस्ट में डाल के? हाँ हाँ ये हाँ ये अभी इसको कट कर गए, कट करेंगे इस तरह से, इस तरह कट करके इस तरह से इसे डालेंगे इसमें बेसन में। हाँ इस तरह से डालेंगे ये ब्रेड पैटीज बोलेंगे या ब्रेड पकौड़ा बोलेंगे, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है। मात्र इसकी कीमत 20 रुपीज है, 20 रुपए। हाँ बहुत बड़ा है, लार्ज है वड़ा पाव, 10 रुपीज। दाबेली 20 रुपीज। दाबेली का टेस्ट भी खट्टा मीठा से जैसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, टेस्ट है जिससे आप जो बोलेंगे ठीक है तो ठीक मिलेगा, खट्टा मीठा बोले तो खट्टा मीठा मिलेगा। इसको टाइम कितना लगता है? अरे जल्दी हो जाएगा, थोड़ी गर्म है हो गया है, थोड़ा सा रेड होना है बस। ये है जो कि इसकी डिमांड बहुत है, बड़ा बहुत है बड़ा शाम में जैसा चलेगा बहुत जल्दी ज्यादा भीड़ रहेगा, 7 के बाद से 10 बजे तक। आपके शॉप का टाइम क्या है? मेरे शॉप का टाइम है 10 बजे से, 2 से शाम में 10 बजे तक। शाम हाँ 10 बजे। और किसी को आना होगा तो एड्रेस क्या है? एड्रेस यही है मैडम, आपका फोन नंबर तो है हमारा इस पर इसी स्टॉल पर है, आप किसी को चाहिए तो फोन पे भी ऑर्डर दे सकते हो। पहले से आपको रेट दोनों मिलते हैं? दोनों मिलते हैं, स्टार्टिंग पहले एक हमारे पास एक था आदमी जिन्होंने हमको बनाना सिखा दिया, उसके बाद से हम दोनों ही शुरू कर दिए। पहले दोनों ना पौधे पड़े ये बढ़िया, देखो ब्रेड पकौड़ा तो बढ़िया सा चीज है खाने के बाद बहुत टेस्टी लगता है। अब इसको थोड़ा सा रख दिए तो हवा में तो ये बढ़िया सा कड़क बन जाएगा, हवा लगने नरम बना जो नम जो है नहीं रहेगा। छोटा छोटा था ना दे देता। तो ये अभी हमारा ब्रेड पकौड़ा हाँ सर्व कर रहे हैं, इधर रेडी है, इसे 3 पीस में काटेंगे इस तरह से और इस तरह से। आपको जिस टेस्ट में चाहिए, ये तेज चटनी है, ये पुदीना का चटनी है, ये जो है इमली का चटनी है, उसके बाद जो है सूखा संगदाना चटनी। अभी आपको जो चाहिए तेज बोले तो तेज में बनाएंगे इस तरह से, इसे ज़्यादा डाल देंगे, और मिक्स बोले तो इसको भी डाल देंगे ये इस तरह से, और इसमें इमली का चटनी, थोड़ा सा इस पर प्याज सेव सूखा सेव मार देंगे जिससे कि वो बढ़िया दिख सकता है इस तरह से। इसके ऊपर एक दो मिर्च दे देंगे, ये बनगा बढ़िया सा ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि फेमस है। चलो अभी पूछते हैं मम्मी को कि टेस्ट कैसी है, पहले मम्मी करेंगे यहाँ पे टेस्ट। मम्मी टेस्ट कैसी लग रही है? बढ़िया है, मतलब रिकमेंडेशन करोगे सबको? अच्छा हमारी दाबेली बनना चालू हो गई है, तो देखते हैं इसमें भी क्या क्या अंकल डालते हैं और कैसा बनाते हैं इसको। ये दाबेली के मसाले में क्या करते हैं? दाबेली का मसाला जो आलू का मसाला रहता है उसमें खाली खट्टा तेज गरम मसाला डाल के काला नमक डाल के उसका मसाला बना देते हैं। अच्छा, और गरम बाद में उसको बटर लगा के सर्व करना है। बटर लगाने के बाद जो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है, कड़क हो जाता है, यानी कड़क करके देना है, तो कड़क करके दे देंगे कि बटर लगा दिया है टेस्ट के लिए, बढ़िया लगेगा एक पाव। अभी इसके नीचे से कौन सा बटर यूज़ करते हो? अमूल का बटर यूज़ करते हैं, अमूल का। तब ये बनेगा, कड़क होएगा 1-2 मिनट में, कड़क होने के बाद थोड़ा सा सेव को उसमें डालकर सेव डालकर पैक करके दे रहा हूँ। बटर बोलते हैं बटर दाबेली, थोड़ा सा आप अभी कड़क हो गया है, अब इसको सर्व करना है, तो सर्व करने से पहले इसमें थोड़ा सेव डाल देते हैं, सेव डाल के थोड़ा सा बटर लगाएंगे और इसमें बस हो गया दाबेली तैयार, थोड़ा सा प्याज मिर्ची डालेंगे। मोबाइल छोड़ दे, मोबाइल काम है ना।